हेलो एवरीवन, मैं कोमल बंसल माँ बेटी रसोड़ा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम आपको कराते हैं बॉम्बे की सैर। सबसे पहले गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच बटर। बटर हम घर का यूज़ करेंगे। बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बाद हम यहाँ ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई। साथ ही में हम यहाँ ऐड करेंगे करी पत्ता, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सभी चीज़ों को हम चटकाएंगे अच्छी तरह से। ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, जो कि बॉम्बे मसाला टोस्ट की जान है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए 4 से 5 बड़े आलू, जिनको हमने पहले से बॉईल करके रखा था। बिल्कुल ठंडा होने के बाद छील कर हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही में ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्ची पाउडर, ऐड करेंगे चाट मसाला। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि इसमें कलर फ्लेवर बिल्कुल बॉम्बे मसाला टोस्ट की तरह आ सके। बहुत ही टेस्टी हमारा बॉम्बे मसाला टोस्ट बन करके तैयार होता है। जैसा मार्केट में हम खरीद के खाते हैं, वैसा ही हम घर पे बनाकर तैयार कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ सब्जियों को स्लाइस में काट लिया है। खीरा, आलू और टमाटर, 3 हम यहाँ लेंगे सैंडविच ब्रेड। सभी ब्रेड्स को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस करेंगे। बटर हम चारों कोनों में लगाएंगे। साथ ही में हम यहाँ लगाएंगे टमाटो केचप विद मेयोनीज, जिसको हमने मिक्स करके ले लिया है। अब हम इस पे स्प्रेड करेंगे हमारी तैयार की हुई बॉम्बे मसाला टोस्ट की स्टफिंग, जो कि हम 2 ब्रेड्स पे लगाकर तैयार करेंगे। रखेंगे खीरे के स्लाइस। साथ ही में हम यहाँ रख देंगे हमारे टमाटर के स्लाइस, जिससे कि बहुत ही हेल्दी हमारा मसाला टोस्ट बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, साथ ही में नमक। बहुत ही चटकारेदार हमारा बॉम्बे मसाला टोस्ट बनकर तैयार होता है। रखेंगे हमारी दूसरी ब्रेड स्लाइस। अब हम इस पे ऐड करेंगे फिर से बटर। बटर बहुत ही टेस्टी लगता है और ये होममेड है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐड करेंगे आलू के स्लाइसेस। आलू यहाँ उबला हुआ है। स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और नमक। अब हम इस पर डालेंगे बहुत सारा चीज़। हमने यहाँ मोजरेला चीज़ का यूज़ किया है। आप यहाँ प्रोसेस्ड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हमें चीज़ बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए हमने खूब सारा डाला है। डालेंगे हमारी दूसरी ब्रेड स्लाइस आलू की स्टफिंग वाली। ऊपर से भी हम बटर लगाएंगे और गैस पे रखेंगे एक तवा। तवे को हम अच्छे से गरम करेंगे और रखेंगे हमारे बटर वाले साइड को नीचे। ऊपर भी हम अच्छे से बटर स्प्रेड करके कवर करेंगे। गैस के फ्लेम हम यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे और 1 मिनट तक हमारे सैंडविच को सिकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए, वाओ, कितना प्यारा कलर आया है। बिना ओवन के बहुत ही क्रिस्पी हमारा सैंडविच बन करके तैयार है दोनों तरफ से। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की तरह हम हमारे सैंडविच पे लगाएंगे बटर। बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है। ऊपर से हम स्प्रेड करेंगे लाइलोन सेव और हरी मिर्च के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा बॉम्बे मसाला टोस्ट बनकर तैयार है। हमारा टोस्ट जला नहीं है, बिल्कुल रेड क्रिस्पी क्रंच वाला बन के तैयार हुआ है। प्लीज़ इसे ट्राई करें। अपने कमेंट माँ बेटी के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत ही टेस्टी मसाला टोस्ट। थैंक यू।